तो गाइस आज हम एक अतरंगी चीज करने वाले हैं, हम डर्ट से बनाने वाले हैं, मतलब मिट्टी से बनाने वाला है एक स्टेडियम नो कॉस्ट। देखते हैं कैसा बनता है। हम हमारे औजार ले आए हैं एकदम सुंदर सा छाव के अंदर, हम बैठ के यहाँ पे बैठ के बनाएंगे। मिट्टी हम वहां से लाने वाले हैं, वो हमारा हमारी जमीन है, लेकिन यहाँ पे कते सूखा पड़ गया है। अब देखते हैं यहाँ से मिट्टी ले पाते हैं कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे एकदम सूखा पड़ गया है, अब हमें इस सूखे हुए मिट्टी को नरम करना पड़ेगा, फिर जाके हम बना पाएंगे, वरना तो हम क्या ही कर पाएंगे। तो गाइस लेट्स गो। ये मिट्टी कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया है, गर्मी इतनी पड़ रही है और अभी दोपहर का समय है। ओ तेरी, ये दब गया। 1 inch punch। मेरा 2.5 kilo का हाथ कब काम में आएगा। तो पहले तो तुम्हें एकदम सिंपल सा ऐसा एक पहाड़ बनाना है मिट्टी का। मैं हथौड़ा ला रहा हूं इसकी भैंस का। या अब बढ़िया काम करेगा ना ये। ये देखो यहाँ पे अभी कांच है, अभी भी मेरे को पता था इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रहा था। और इसे घर के ऐसी जगह पे बनाना जहां पे मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम ऐसे बना के रख सकते हो और फिर जब चाहे तुम वहां पे बेबलेट से खेल पाओगे। तो फिलहाल के लिए और शेपे वे पे देते हैं, नरम होता ना डायरेक्ट इस पे छाप दे देते और फिर सूख जाता काम हो जाता, लेकिन अभी के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ हाथों से करना पड़ेगा क्या मेरे को मैनुअली ऐसे गड्ढे। व्हाट द हेक, देखो एक घूसा मारा कांच पे पड़ा पूरा फट गया यहां से। अरे यार इतना खून निकल रहा है ना, क्या देखो देखो इतने इससे भी बड़ा कांच था इसके अंदर। ओह पहले दवाई देके आते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ, आज हो पाता है कि नहीं। देख सकते हो खूनम खून और हाथ भी कपड़ा है, पता नहीं क्यों। आह मम्मी बहुत मारेगी, ये देखो हाथ कापड़ा है, कितनी खतरनाक तरीके से कापड़ा है, पता नहीं क्यों कापड़ा है लेकिन कापड़ा है। चलो इसका कुछ करते हैं पहले। तो अगर तो हमारे यहाँ पे कुछ रस भरे पत्ते होते हैं वो पत्ते लगा दिए, इससे शायद से ठीक हो जाएगा, हाथ अब भी कापड़ा है पता नहीं क्यों। ओके तो या इसे दूसरे दिन या फिर शाम को देखते हैं, और तब तक हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि ये थोड़ा सा नरम नरम हो जाए। अब शाम ढल चुकी है तो अभी यह मिट्टी तो नरम नरम सा हो गया है, और भाई साहब इसकी कर हालत देखो ना, एक छोटा सा कट लग रहा होगा तुम्हें लेकिन अब बहुत ही डीप करके लगा है, इसके कारण मेरा पूरा हाथ दर्द कर रहा है, पता नहीं कितना खून बह गया। एक बार ये देख लो तुम, एकदम चिकनी मिट्टी। बचपन में खेलो क्या मिट्टी से, अगर नहीं खेलो तो तुमने बहुत कुछ मिस किया है।
तो लगभग 3-4 दिन हो गए और इसके अंदर ना क्रैक्स आए, और ये सब छोटे छोटे क्रैक्स नहीं आए, यहाँ पे बड़े बड़े माफिक क्रैक्स आए, लाइक इतना बड़ा बड़ा क्रैक आया है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया था, देख सकते हो इसका थोड़ा अलग अलग टेक्सचर लग रहा होगा। तो हाँ, हमने यहाँ पे मिट्टी डाला है, कल डाला है, देख सकते हो इतने बड़े बड़े क्रैक्स आए यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके अंदर हमने मिट्टी डाला है, अब उसको हमने ठोका पीटी करके नहीं डाला, ओ भाई मेरे को लगा था हम इसे निकाल उठा पाएंगे, उठा तो पा रहे हैं वैसे, बट टूट गया है। होली शिट भाई, द वे हमने ये बनाया था स्टेडियम भाई मिट्टी से, लेकिन ये ना बहुत ही गंदे तरीके से टूट गया है। तुम सोच रहे इसे तोड़ के एक नया बनाते हैं। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। चारों ओर सूखा पड़ गया, एकदम सफेद हो गया मिट्टी सूख के। वो सब छोड़ के अगर तुम ये देखो ना, हमारा स्टेडियम भी सूख के एकदम फट गया है पूरा, पापड़ की तरह। पापड़ फटते हैं क्या फटता है इसको ना, मेरे को ठीक करने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके अंदर एकदम, अगर देखो ना, एकदम गहरा तक फट गया है। तो इसके अंदर मेरे को मिट्टी डालना होगा दबा दबा के, जो मेरे को करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जितनी मेहनत लगेगी ना, उतनी मेहनत से मैं एक कागज का भी स्टेडियम बना लूंगा, और वो भी बढ़िया वाला। तो यार मिट्टी में गड्ढे करके अगर हम स्टेडियम बनाते वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें ऐसे फटने के चांसेस कम होंगे। सो बोलो करेंगे क्या नहीं, और फिलहाल के लिए हम कागज से बनाने वाले हैं। यस, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। यूनिक आइडिया था भैया, लेकिन हाँ ये इतने गंदी तरीके से टूट रहा है, आइडिया बाहर में गया। तो देख सकते हो ये हमारा फटा हुआ स्टेडियम, इसके ऊपर ही लॉन्च करेंगे सब कुछ। भाई साहब अगर तुम देखो ना, ये बहुत बड़ा स्टेडियम बनता अगर मैं इसे बनाता। फिलहाल के लिए हम इसे तोड़ने नहीं वाले, ऐसे रगड़ नहीं रहे हैं, बाद में अगर इच्छा करे तो हम इसके अंदर मिट्टी डाल देंगे कभी कभार, अभी तो करने की दिल एकदम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने गंदे तरीके से टूटा है। या समझ गए होगे, तो फाइट कराते हैं हमारा इन सारे वेवलेट्स के, जो जो हम फायदा में चला सकते हैं, ये वेवलेट्स हम चला सकते हैं। इतने ही मेरे अभी जिंदा वेवलेट्स हैं, बाकी तो फट फुट गए हैं। इसकी तो बात मत करो, इसका रबर एकदम घिस गया है। हमारा कॉस्मिक पेगासस है सबसे बढ़िया वाला, वही एकमात्र मेटल बचे हैं, बाकी सब हैंडमेड। कॉस्मिक की बात कर रहे हैं तो कॉस्मिक भी पहले चलाते हैं, जो देखते हैं चल पाते हैं कि नहीं। चल तो रहा है बड़ी, हाँ जी चल तो रहा है बड़ी। अब जरा ट्विस्टेड टेम्पो लॉन्च करते हैं। ओ भाई साहब वैसे हाँ बढ़िया लॉन्च होता बड़ी, बीच में अगर ना फंसता। दिस इज टफ इज बैटल,
भाई साहब सच बताऊं तो इसको फिट करूं ना, ये बहुत ही बढ़िया लॉन्च होता है, देख सकते हो ये ऐसे टूटे मूटे में भी कितना बढ़िया लॉन्च हो रहा है। हाँ जी, इसकी तो बात मत करो, इसका निचला टिप ही नहीं है। बड़े बड़े व्यूबर्स बढ़िया लॉन्च होते हैं, जैसे कि हमारा कॉस्मिक जो कि अभी अब हिल रहा है। ओ भाई साहब अगेन लॉन्च करते हैं। ओ भाई साहब स्टेडियम निकाल दिया। स्टेडियम निकल के फाइट कौन करता है भाई जी? वो देखो फैंटम उड़ान को भी लॉन्च करके देखते हैं। भाई साहब फैंटम उड़ान को फर्क नहीं पड़ता, वो अगर अटक गया ना तो भी इसके पास बियरिंग ड्राइवर है। बियरिंग ड्राइवर काम नहीं आया, बियरिंग का सेट टाइम ना थोड़ा सा तो फाइट कर लो जी। हाँ जी, ये स्टेडियम बढ़िया बन सकता है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बन सकता है। बड़ी